जब भी मैं अपने गांव जाती, अपनी दादी और नानी को हमेशा घर के कामों में उलझा देखती। मेरे मन में हमेशा से सवाल रहता था कि आखिर ये घर के कामों में ही व्यस्त क्यों रहती हैं, ये दुनियादारी की बाकी चीज़ों से क्यों नहीं मतलब रखती हैं। मैं ये महसूस करती थी, मैं ये जानती थी कि ये शायद साक्षर नहीं है, इसलिए ये अपने आप को पूरी तरह से अलग रखती हैं। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में गई, अपनी दादी और नानी की उम्र की ही कई महिलाओं से मिली जो हमारी दादी और नानी से ज़्यादा जागरूक थी, समझदार थी। ये न सिर्फ खुद से सवाल करती थी बल्कि प्रशासन स्तर पर भी कई तरह के सवाल करती थी। कई गैर सरकारी संगठन जो उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में महिला साक्षरता केंद्र चला रहे हैं, यहाँ पे बढ़ती उम्र की वो महिलाएं पढ़ाई करती हैं जो इससे पहले कभी स्कूल नहीं गई थी, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी, आज ये यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं। इस उम्र में पढ़ाई करना इनके लिए एक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने पल्लू में किताब छुपाई, इन्होंने पढ़ाई करने का एक कदम आगे बढ़ाया। ये अब ना सिर्फ पढ़ाई कर रही हैं, ना सिर्फ पढ़ाई के मतलब को समझ रही हैं, बल्कि ये अब पहले से ज़्यादा जागरूक हो गई हैं, मुखर हो गई हैं, ये सवाल करने लगी हैं। हमारे मन में हमेशा से आता था कि आखिर इनका पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अब हमें हमेशा से बताया जाता है कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी करना होता है, हमारी समझदारी होता है। लेकिन ये वो महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन ये सवाल करती हैं, ये बैंक में विड्रॉल फॉर्म भरने लगी हैं, ये अपने घर का हिसाब किताब लगाने लगी हैं, इन्हें पता है कि कौन सी सरकारी योजना का इन्हें लाभ पाना है, इन्हें अब ये भी पता है कि इनके बच्चों के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। इन महिलाओं से मिलकर मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये बदलते भारत की वो तस्वीर है जहाँ पर हम बदलाव की बात करते हैं, जहाँ पर हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वास्तव में ये वो महिलाएं हैं जो आज बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है पर पूरी तरह से साक्षर हो चुकी हैं खुद से सवाल करने के लिए। इन्हें कई तरह की सरकारी योजनाओं की जानकारी है, ये अपने बच्चों को अब मेहनत मजदूरी करने की बजाय स्कूल भेजती हैं, ये अपनी बेटियों की कम उम्र में शादी नहीं करती हैं क्योंकि अब इन्हें पता है कि एक उम्र के बाद ही बेटियों की शादी करनी है। अगर आपके आसपास भी कुछ इस तरह की बदलाव की कहानियां हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बहुत सारी खबरें पढ़ना चाहेंगे, आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये कौन सी थारू महिलाएं थी, कौन सी आदिवासी महिलाएं थी, कौन सी पिछले जिले की महिलाएं थी, तो आप हमारी वेबसाइट www.gaonconnection.com पे जा सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं गाँव कनेक्शन के नाम से, हमारा ट्विटर हैंडल है @gaonconnection। आप इस तरह की बहुत सारी खबरें बताने के लिए हमारी ईमेल आईडी swam@gaonconnection पे हमें बहुत सारी खबरें भेज सकते हैं।